विफल हो रही है। महोदय, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बिहार, चैंबर ऑफ कॉमर्स, संगठन को विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय कि बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिहार के गरीब जनता पर ये बोझ नहीं दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आपको बताएं, इस बजट सत्र में लगातार महागठबंधन की सरकार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में बैठी भाजपा लगातार बिहार सरकार पर एक मौका नहीं छोड़ रही है, एक कसर नहीं छोड़ी है कटाक्ष करने का और तंज कसने का। वहीं आपको बताते चले, आज भाजपा वेल, विधानसभा के वेल में आकर के आपको बताए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। दरअसल बिजली बिल में हुई वृद्धि को लेकर ये नारेबाजी है, ये प्रदर्शन है जो भाजपा सदन के भीतर और इतना ही नहीं सदन के वेल में आकर के बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रही है और कह रही है कि इस बिजली बिल के दरों में जो वृद्धि की गई है इसे वापस लिया जाए। तो देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र लगातार और भी हंगामेदार होते जा रही है। लगातार बिहार के में हो रही अपराधों को लेकर, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है इसे लेकर के भाजपा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़े करती नजर आ रही है, हमलावर होते नजर आ रही है। तो वहीं आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ आपको बताएं सदन के भीतर और सदन के बाहर माले और कांग्रेस राहुल गांधी के मामले पर भी केंद्र सरकार पर हमलावर हुई, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा बिहार सरकार पर हमलावर हुई। तो देखिए, सदन के भीतर से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और भाजपा बिहार की सरकार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, आपको छोड़े जाती इन तमाम तस्वीरों के साथ। माननीय महबूब साहब, आपने अपने बात को नहीं रख सका, इसलिए अब नेता विरोधी दल क्या कहना चाहते हैं सो कहिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अजीत शर्मा जी, आपको भी हम समय देंगे। बिजली का फिक्स चार्ज, माननीय सदस्य बैठिए ना, आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, अब अपने दल को कंट्रोल कीजिए महोदय, दल को कंट्रोल कीजिए। नेता विरोधी दल, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, परंपरा टूटेगी तो फिर शांति बरकरार नहीं रहेगा। हमेशा प्रतिपक्ष को अवसर मिला है और मोदी जी के नाम पर अगर जो सदन में हंगामा कराना चाहते हैं तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। महोदय, बिजली का फिक्स चार्ज दोगुना और यूनिट चार्ज में 40% समय हम देंगे, लेकिन इसके कारण कुल बढ़ोतरी 50-80% हो रही है। इसका दुष्प्रभाव आम जनों के साथ साथ राज्य के व्यवसायी औद्योगिक उपभोक्ता पर पड़ेगा। महोदय, राज्य में गरीबी बढ़ेगी, उद्योग धंधों तथा व्यवसाय में कमी होगी, विद्युत संचरण वितरण हानि लाभ 45% है, जबकि इसे सुदृढ़ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। सरकार अपनी नाकामयाब रोक लगाने में विफल हो रही है। महोदय, आज बिजली में जो विफल हो रही है, महोदय, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बिहार, चैंबर ऑफ कॉमर्स, संगठन को विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय कि बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिहार के गरीब जनता पर ये बोझ नहीं दिया जाए। और महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि आज सारे जिस तरह से निकला है हर जगह पेपर में, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आप 24% बढ़ा के कल कहेंगे हम 12% बढ़ाते हैं, 1% भी बिजली दर माननीय नेता, बिहार माननीय नेता अजीत शर्मा जी, सदन के अंदर महोदय, आप बैठिए, आप जवाब दे रहे हैं। सदन माननीय मंत्री विद्युत विभाग कितना बोलिएगा,